चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान यह मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ की प्लेयर्स की न्यूज़, प्लेयर स्टेटस, टॉप ग्रैंड लीग टीम शेयर करेंगे, टॉप क्लास कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, दोनों टीम्स की रिसेंट परफॉर्मेंस, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और इस मैच के जो फाइनल टीम्स है लाइनअप्स निकलने के बाद आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों 100 रुपीज़ गिव अवे है। गिव अवे का क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर बाद। आपको बस एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा जिससे दोस्तों आप यहां से 100 रुपीज़ जीत सकते हो। एक ही विनर को मिलेगा। हाँ, अगर दो तीन का सही जवाब था तो फिर दोस्तों डिसाइड किया जाएगा, तो आपको वो भी मैं आगे बताऊँगा कि आपको कैसे जवाब देना है, क्या सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ये IPL का 29th मैच खेला जाएगा। चेन्नई को सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान ये मैच होने वाला है। शाम के 7:30 बजे MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर जो रिसेंट मैचेस हुए हैं यहाँ से दोस्तों आप ये देख सकते हो कि कितना स्कोर हुआ है, कौन सी इनिंग में ज़्यादा स्कोर हुआ है, कितने विकेट्स गिरे हैं। अगर इस स्कोर को एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 160 प्लस एवरेज स्कोर भी रहेगा और विकेट भी तकरीबन पर इनिंग 5-6 गिरती रहती है। अगर इस ग्राउंड पर टॉप प्लेयर की बात करेंगे तो मोइन अली का इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा स्टेटस है। मोइन अली ने इस ग्राउंड पर रिसेंट की अगर हम बात करेंगे 3 मैच खेले हैं और 6 विकेट दोस्तों निकाले हैं। अगर स्पेशल रिकॉर्ड की बात करेंगे मोइन अली IPL की तो फर्स्ट इनिंग में इसका 28 रन स्कोर रहता है और वही स्ट्राइक रन रेट की बात करेंगे 154। दूसरी इनिंग में एवरेज इसका 15 रन बनाने का स्कोर है। एडम माकरम की बात करेंगे, फर्स्ट इनिंग में 28 रन बनाने का एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग में 48 रन बनाने का एवरेज स्कोर है। अगर हेनरी ब्रोक की बात करेंगे काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, फर्स्ट इनिंग में 49 रन एवरेज, सेकंड इनिंग में 24 रन एवरेज। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्टेटस डेट मैटर्स द मोस्ट, रुतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट इसने सिर्फ 4 मैच खेले हैं जिसमें से 235 रन का स्कोर किया और 99 इसका हाई स्कोर रहा है इनके अगेंस्ट। नतराजान की बात करेंगे, इसने चेन्नई के अगेंस्ट 4 मैच में 8 विकेट निकाले हैं, यानी पर मैच अगर देखा जाए तो 2 विकेट निकाल चुका है। अब हम डैनियल कॉनवे की बात करेंगे, इसने भी दोस्तों 4 मैच खेले हैं, 4 में से दोस्तों इसने 180 रन का स्कोर किया है और 83 इसका हाई स्कोर है। तुषार देशपांडे की रीसेंट मैच की बात करेंगे, लास्ट 4 मैच में तुषार पांडे ने अगर देखा जाए तो 9 विकेट निकाले हैं जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके बाद अगर आप देख सकते हो कि किस प्लेयर को किसने आउट किया है, जैसे कि डैनियल कॉनवे को वाशिंगटन सुंदर ने 2 बार, रुतुराज गायकवाड़ को टी नतराजान ने 2 बार आउट किया है, राणे को उमरान मलिक और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 बार आउट किया है, शिवम डूबे को नतराजान ने 1 बार, मोइन अली को आंडे मकरम ने 2 बार, आदिल रशीद ने 1 बार आउट किया है, एमबीती रायडू को एम दगर, टी नतराजान ने 1 बार आउट किया है, MS धोनी को टी नतराजान और M जनसन ने आउट किया है। सेम बाकी इसी तरह प्लेयर्स है, जैसे कि राहुल त्रिपाठी को रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर ने 2-2 बार आउट किया है। सेम बाकी इसी तरीके से प्लेयर्स है दोनों टीम्स के दरमियान जो रिसेंट हेड टू हेड मैचेस हुए हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूँ टोटल कितने हुए हैं, 12 हेड टू हेड मैच, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 मैच जीते हैं और 3 मैच जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने। लास्ट 5 मैच का स्टेटस भी आपको अभी दिखाऊंगा। ये दोनों टीम्स के दरमियान पहला हेड टू हेड मैच है जिसमें अगर देखा जाए, सबसे पहले वाले पर बात करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, चेन्नई की तरफ से 99 रुतुराज गायकवाड़ ने, 85 डैनियल कॉनवे ने और डी पिटोरियस, मिचेल सैंटनर 1-1 रन। वही हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 39, आर्य माकरम ने 17 और नतराजान ने 2 विकेट निकाले। और अब दूसरे हेड टू हेड मैच की बात करेंगे, ये देखा जाए तो ये हैदराबाद ने जीता है, इसमें मोइन अली ने 48, रायडू ने 27, जडेजा ने 23, अभिषेक शर्मा ने 75 और राहुल त्रिपाठी ने 39 और सेम वाशिंगटन सुंदर, नतराजान ने 2-2 विकेट और बाकी इन लोगों ने 1-1 विकेट निकाला है। तीसरा हेड टू हेड मैच इनके दरमियान आप देख सकते हो, अब्दुल समद 18, अभिषेक शर्मा 18, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, रुतुराज गायकवाड़ ने 45, रायडू ने 17 और मोइन अली और रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। दोनों टीम्स के लास्ट 5 मैच की बात करेंगे, चेन्नई ने 3 मैच जीते हैं लास्ट 5 मैच में, वही हैदराबाद की बात करेंगे, इन्होंने 2 मैच में कामयाबी हासिल की है। दोनों टीम्स की तरफ से जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसकी अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन आपको खेलते हुए नजर आ सकता है, साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो भी आपको देखने को मिली जाएगी। डैनियल कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, एजन केरयाने आपको टॉप ऑर्डर में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। डैनियल कॉनवे और रुतुराज गायक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और एजन केरयाने भी दोस्तों काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हो। शिवम डुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, M तस्कीना, महेश थिपथारना और तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, दोस्तों ये आपको चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी इंपैक्ट प्लेयर्स की बात करेंगे, यानी जो
पांच प्लेयर्स आपको और खेलते हुए नजर आ सकते हैं, वो ये पांच प्लेयर्स हैं। इनका भी स्टेटस है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, आप जहाँ पर आपको स्टेटस देखना हो वहाँ पर आप वीडियो को एक बार रोक सकते हो। इनकी तरफ से बेंच प्लेयर्स है, अगर इनमें से किसी को खेलते हुए आपने देख लिया तो आप वीडियो को उस टाइम देख लेना, उसका स्टेटस यहाँ पर देख के फिर टीम में उसको ऐड कर लेना। अगर हैदराबाद की तरफ से हेनरी ब्रोक आप देख सकते हो, सेकेंड लास्ट मैच में 100 का स्कोर किया, और मयंक अग्रवाल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों राइट हैंड बैट है। फिर राहुल त्रिपाठी, आनिम अकरम, अभिसार शर्मा, हेनरी क्लासन, सबकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। मैक्रो जेनासन दोस्तों बॉलिंग बैटिंग सबसे आपको पॉइंट देगा। सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, मार्कंडे ने दोस्तों लास्ट कुछ मैच में अच्छा किया, नतरजान आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वही इम्पैक्ट प्लेयर्स अब्दुल समद है, उबरान मलिक है, फिलपलीस है, शर्मा है, दगार है, ये आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये बेंच प्लेयर्स है, अगर इनमें से किसी को खेलने का मौका मिला तो यहाँ पर दोस्तों एक बार चेक करके ज़रूर जाना। अब मैं आपको तीन टीम्स का प्रीव्यू दिखाऊंगा, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन टीम्स को कॉपी नहीं करोगे जिससे आपका लॉस हो सकता है। फाइनल टीम्स आपको मिलेंगे, पहले ही बता चुका हूं टेलीग्राम पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं दोस्तों आपको सबसे पहले बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको ये है कि हेनरी ब्रोक जो है आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट आपको बताना है कि आज के मैच में ये कितने रन स्कोर करेगा। कोई बोलेगा 12 तो 12 ही करना चाहिए, 13 तो 13 ही, 30 तो 30, 40 तो 40। जो भी सही आंसर देगा उसको हमारी तरफ से गिवे अवे में पेटीएम कैश 100 रुपीज़ मिलेगा। जल्दी से कॉमेंट कीजिए, और 7 बजे से पहले कॉमेंट आना चाहिए। कितने बजे से? 7 बजे से पहले। अगर इस प्लेयर को खेलने का मौका नहीं मिला तो हम दोस्तों टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे किसी दूसरे प्लेयर के बारे में, ठीक है? और आपका नाम टेलीग्राम पर ही आएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना काफी मस्ट है। तो चलिए पहले टीम पर नजर डालते हैं। इस टीम में देखा जाए आपको एक विकेट कीपर, 5 यहां पर बैट्समैन देखने को मिलेंगे, चार पांच दोस्तों यहां पर देखा जाए 4 ऑलराउंडर है, और एक दोस्तों यहां पर आपको बॉलर देखने को मिल जाएगा। कैप्टन की बात करेंगे, हेनरी ब्रोक सेकंड लास्ट मैच में शतक भी लगाया था, काफी अच्छा ऑप्शन है, और आपको दोस्तों ओपनिंग करते हुए हैदराबाद की तरफ से आ जाएगा नजर। और मोइन अली की बात करेंगे, इस ग्राउंड पर काफी अच्छा स्कोर है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, और विकेट भी निकालता है। लास्ट 5 मैच की बात करेंगे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। आप चाहो तो इसके बदले जडेजा को भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा अलग खेलना चाहते हो तो इन दो प्लेयर्स को भी ट्राई किया जा सकता है। और आप यहाँ पर चाहते हो तो किसी दूसरे प्लेयर जैसे कि वाशिंगटन सुंदर, उसको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने उसको पिकअप नहीं किया। आप यहाँ पर चाहो तो इसको ड्रॉप करके मयंक अग्रवाल को पिकअप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करेंगे, अगर आप बैटिंग सेक्शन में जाना चाहते हो तो ये दो ऑप्शन भी दोस्तों काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं टीम नंबर 2 की। इस टीम में दोस्तों आप देख सकते हो 4-4-2 का कम्बिनेशन है। इसमें मैंने कैप्टन मोइन अली और वाइस कैप्टन आनिम अकरम को पिकअप किया है, और नीचे दोस्तों आप देख सकते हो तुषार देशपांडे, जिसने लास्ट मैच 4 मैच में 9 विकेट निकाले हैं, हालांकि पहले टीम में मैंने इसको पिकअप नहीं किया था। और ऊपर देख सकते हो ज़्यादातर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के जो प्लेयर्स हैं उनको पिकअप करके रखा है। अगर चेन्नई ने पहले बैटिंग की या बाद में बैटिंग की तो ये भी डिपेंड करता है, लेकिन ये सारे प्लेयर्स फॉर्म में है इसलिए मैंने इनको पिकअप किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन देख सकते हो, मैंने ऑलराउंडर्स को पिकअप किया है। टीम नंबर लास्ट नॉट लीस्ट, इसमें मैंने 2 प्लेयर्स जो है विकेट कीपर सेक्शन में, कैलसन को पिकअप किया, कॉनवे को पिकअप किया, यहाँ से मयंक अग्रवाल को पिकअप किया, एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया, वही रुद्रराज गायकवाड़। आप चाहो तो अजन केरियानी को ड्रॉप करके उसको वापस पिकअप कर सकते हो, और अभिसार शर्मा यहाँ पर नहीं लिया। और नीचे अगर देखा जाए तो तुषार देशपांडे, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक वगैरह वगैरह जो प्लेयर्स हैं उनको मैंने पिकअप नहीं किया, लेकिन टीम्स अपडेट हो जाएंगे लाइनअप्स निकलने के बाद, और पिच की जो कंडीशंस है, वेदर जो कंडीशंस है वो भी देखेंगे। फिलहाल इतना ही, फाइनल टीम्स आपको मिलेंगे, यहाँ से दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करके जाना और सवाल को जवाब देके भी जाना। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।